हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीपक सोनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपक सोनी ब्लॉग। टाइम हो रहा है सुबह के 3:20, तो अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाड़ी पे। फिर तो हमारी यात्रा तैयार हो चुकी है अपनी राइड पे जाने के लिए। तो अपनी पंचकेदार यात्रा की शुरुआत करने से पहले बहराइच में स्थित पांडवकालीन श्री सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन करके अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो अभी हम बाबा सिद्धनाथ महादेव के मंदिर में जलाभिषेक करके अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। आप दर्शन कर रहे हैं बाबा सिद्धनाथ महादेव के। तो अभी हम बाबा सिद्धनाथ मंदिर के प्रांगण में हैं, जहाँ पे मैं और मेरे साथी की पूरी तैयारी हो चुकी है और हम बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करके अपनी पंचकेदार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। फ्यूल ना मिलने की वजह से हमें आधे घंटे का और लेट हो गया और हम लोग सिटी से बाहर 5 बजे निकले। अभी टाइम हो रहा है 5:40 और हम लोग पहुंच चुके हैं घाघरा नदी पर बने चालारी घाट पुल पे, कि जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। और जिस पुल पे हमें सुबह भयानक एक्सीडेंट भी मिला, 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई थी। गाइस, तो टाइम हो रहा है 5:55 और अभी हम लोग बिस्वा से 7 किलोमीटर दूर हैं। तो ऐसे ही अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 8:50 और अभी हम लोग सीतापुर बाईपास पे हैं, जो कि सीतापुर से बाहरी बार ऋषिकेश के लिए हाईवे है, जिस पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ से बरेली 168 किलोमीटर, मेरी राइड का 262 किलोमीटर पूरा हो गया है और अभी हम लोग बरेली के आगे एक छोटी सी ढाबे पर।
तो अभी टाइम हो रहा है 10:48 और हम लोग का पहला ब्रेकफास्ट शुरू हो रहा है। तो गाइस टाइम हो रहा है 4:25 और अभी हम लोग मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। हेलो गाइस, तो टाइम हो रहा है 6:20। हम लोग हरिद्वार से बस कुछ ही समय की दूरी पे हैं। अभी दर्शन कर रहे हैं माँ चंडी देवी मंदिर के। हम लोग चंडी देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। जस्ट उसके बाहर से आपको माँ चंडी देवी के दर्शन करा रहे हैं। और अभी आप लोग देख रहे हैं हर की पौड़ी जो कि हरिद्वार में है। हम लोग उसके दर्शन कर रहे हैं और रास्ते में ये अद्भुत पेंटिंग, अद्भुत मंदिरों के कलाकृतियाँ बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ हम लोग ऋषिकेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से ऋषिकेश की दूरी बस 19 किलोमीटर की रह जाती है। आपको पूरे रास्ते की बताएं तो रास्ते का टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक का गर्म था, जिसमें बहुत सी दिक्कतें आई गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। और हम लोग जैसे ही ऋषिकेश पहुँचे वैसे ही ज़ोरदार हवाओं ने जो टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री का था वो गिर करके सीधे 25 से 30 डिग्री पर आ गया। और जोरदार ठंडी हवाएं ने हमारा ऋषिकेश में स्वागत किया। आप देख सकते हैं कितनी जोरदार हवाएं, कितनी तेज हवा चल रही है। और हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग अपनी डेस्टिनेशन जहां पे हमने आज स्टे करना है जो कि तपोवन में है। हमने तपोवन में रूम इसलिए लिया है कि हमें मॉर्निंग में सुबह जल्दी निकलना है और रास्ते की भीड़ भाड़ से बचते हुए हमने अपना रूम तपोवन में बुक किया है। तो चलिए चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन, अपने रूम की तरफ। तो ऋषिकेश से सुंदर सुंदर पहाड़ दिखना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे इस टाइम टेम्परेचर 28 डिग्री का हो गया है और बहुत ही अच्छा रास्ता और बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है।
तो अभी हम लोग तपोवन की मार्केट में पहुंच चुके हैं। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:40। बस कुछ ही मिनटों में हम अपने होटल पहुंचने वाले हैं। और हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे, जहां पे हमें आज नाइट स्टे करना है। नंबर 301 है, आइए आपको अपना रूम दिखाते हैं। तो ये मैं थका हुआ, ये वॉशरूम, और यहाँ से सुंदर नज़ारे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव के जयकारे ज़रूर लगाएं। तो हर हर महादेव।